नमस्कार मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा अनुरोध है माननीय संबित जी से आपको संबोधित करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारने के लिए। बंधुगण, जैसा कि कल शाम से ही हम सबको आशंका था, आज हो गया है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से रुका नहीं जाता है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, एक अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। कल का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, कल तो योग दिवस था ही, किंतु संयोग देखिए, कल जिस प्रकार से पूरे विश्व में हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश बना जिसने एक ही दिन में लगभग 87 लाख वैक्सीनेशन पूरे देश में, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ पे जाके खड़ा होता है। और जिस प्रकार से ये काउंटडाउन कल आरंभ हुआ, लोगों में एक उत्साह, एक उल्लास का माहौल था। सोशल मीडिया में हम देख रहे थे, लोग बात कर रहे थे कि अब 50 लाख हो गया, अब 60 लाख हो गया, अब 59 लाख हो गया, अब 70 लाख हो गया, और शाम तक जैसे जैसे 80 लाख के ऊपर हिंदुस्तान वैक्सीनेशन में पहुंचने लगा, कहीं ना कहीं जो भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ है उसमें भारत जीत रहा है, उसमें भारत अवश्य जीतेगा, इस प्रकार का एक खबर, एक लहर पूरे हिंदुस्तान में आने लगी। किंतु दुखद है कि आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाइट पेपर की बात की है और कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाने का काम किया है। बंधुगण, आप सबने इस कोरोना की लड़ाई को शुरू से ही देखा है। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए, उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए। कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। मैं तो कहूंगा अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने भी किया है, और अथक परिश्रम केवल और केवल इंडिया की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, कैसे इंडिया उससे डिरेल हो जाए, उसमें अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने किया है, बहुत टायरलेस एफर्ट किया है। आप याद रखिए, जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी, पहली बार भारत सरकार ने लॉकडाउन किया था, उस समय उसी लॉकडाउन को तुगलकी लॉकडाउन कह के भारत के जो युवराज है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी ने संबोधित किया था, ये तो तुगलकी लॉकडाउन है। तुगलकी लॉकडाउन से लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है? हमें वैक्सीन चाहिए से इस वैक्सीन में तो गाय का खून मिला हुआ है, हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं से जब कोवैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में कोवैक्सीन सप्लाई की जाती है, तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से, वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। ये सभी विघ्न बाधाएं राहुल गांधी ने भारत के कोविड लड़ाई में खड़ी की है। मैं तो आज राहुल गांधी को एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी दूंगा, वो शायद हमसे एडवाइस नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी मैं दूंगा कि कब तक आखिर आप ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे, कब तक ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, कभी रियल काम तो करिए। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। आज भी मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। कंफ्यूजन इज दाई नेम, राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है, ही इज कंफ्यूशियस गांधी, हमेशा कंफ्यूजन, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है,
लॉकडाउन करना है नहीं करना है, हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। आज उन्होंने व्हाइट पेपर के बारे में कहा है कि एक व्हाइट पेपर वो जारी कर रहे हैं और कुछ बिंदु उन्होंने कहा है। बंधुगण, हम भी एक व्हाइट पेपर लेकर आए हैं, ये हकीकत है जो आज आपके सामने हम बयां करने वाले हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उसका उत्तर राहुल जी नहीं देंगे। सवाल नंबर एक, ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। चौथा प्रश्न, किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा, किन राज्यों ने कोवैक्सीन से इनकार किया और उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुआ? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। किन राज्यों में सर्वाधिक फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। छठा प्रश्न, सर्वाधिक पॉजिटिव रेट कोरोना को लेकर किन राज्यों में रहा? उत्तर, कांग्रेस शासित राज्य। सातवां प्रश्न, किन लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन डिमांड किया था वैक्सीनेशन में? उत्तर, कांग्रेस ने। आठवां प्रश्न, किन लोगों ने यू टर्न करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बाद सेंट्रलाइजेशन चाहा? उत्तर, कांग्रेस। कल इतना बड़ा ऐतिहासिक वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस रहा, किन राज्यों में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ और किन राज्यों में सबसे कम न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ, अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो सर्वाधिक उन राज्यों में रहा है जिन राज्यों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन में रहकर बिना वैक्सीन हेजिटेशन, मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो चाहे कर्नाटक हो, उन्होंने काम किया। और न्यूनतम किन में रहा है? कांग्रेस शासित राज्यों में न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ। सबसे ज्यादा फैटेलिटी कांग्रेस शासित राज्य में, सेकेंड वेव आरंभ होता है कांग्रेस शासित राज्य में, सर्वाधिक पॉजिटिविटी कांग्रेस शासित राज्य में, वैक्सीनेशन होता नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में, और ऊपर से व्हाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए और उन्हें ये आंकड़े दीजिए और उनसे कहिए कि आखिर ये क्या हो रहा। आफ्टर सीइंग ऑल दिस माय फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड एंड द आंसर्स ऑफ दीस क्वेश्चंस, इट वुड नॉट बी आई वुड से रॉन्ग टू स्टेट दैट एज फार एज राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, दे शुड बी कॉल्ड एज द क्लाउन एंड द सर्कस। जो मैंने आपको आज प्रश्न और उसके उत्तर दिए हैं, इनके बाद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये बुरा नहीं होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को क्लाउन और सर्कस के साथ कंपेयर किया जाए। ये एक सर्कस बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, हर विषय में राजनीति करना। और बंधुगण, पिछली बार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। आज मैं पुनः वो सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोहरा रहा हूं, हम उत्तर चाहते हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने तो उत्तर नहीं दिया था, मगर उनके कुछ हितैषियों ने अवश्य उत्तर देने का प्रयास किया था। प्रश्न था जिसको मैं दोहरा रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं? आप 1000 वर्चुअल पीसी कर लीजिए, किंतु एक तस्वीर लाखों शब्द बयां करती है। यही कांग्रेस पार्टी है ना जिन्होंने प्रधानमंत्री को टॉन्ट मारा था कि प्रधानमंत्री आपको पहला डोज लेना चाहिए, फोटो अपलोड करना चाहिए, वीडियो अपलोड करना चाहिए वैक्सीन लेते हुए, तब जाके हिंदुस्तान की जनता को लगेगा कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है और हम वैक्सीन लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब उनका मौका आया, अर्थात उन्होंने लाइन जंप नहीं किया, जब उनका मौका आया उन्होंने पहले जाकर सुबह सुबह वैक्सीन लिया। एंड यस, ही पोस्टेड द पिक्चर्स, वो फोटो उन्होंने सार्वजनिक किया ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका न रहे। ये जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है, फर्स्ट फैमिली है,
ये एक फोटो लगा सकती है या केवल वर्चुअल पीसी ही करते रहेंगे। और तो और आश्चर्य का विषय है, इसमें भी गड़बड़ झाला है। जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि क्या राहुल जी ने वैक्सीनेशन लिया है, तो खैर राहुल जी तो उत्तर देते नहीं है, कुछ हितैषियों ने उनके पार्टी के अंदर से उत्तर दिया कि राहुल जी को वैक्सीन लेना था, 16 तारीख को लेना था, 16 अप्रैल को वैक्सीन लेना था, किंतु 15 तारीख को उनको कोरोना हो गया, इसलिए 16 तारीख को वो वैक्सीन नहीं ले पाए 16 अप्रैल को। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आप लोग सब जाके राहुल जी के ट्विटर हैंडल को जरा देखिएगा, तो आप याद करिए 18 तारीख को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि मैं अब किसी प्रकार की रैली नहीं करूंगा कोई चुनाव में, अब मैं सभी से अपील करता हूं कि कोई और चुनाव में रैली ना करे, कांग्रेस अब रैली नहीं करेगी, मैं भी रैली नहीं करूंगा। वाह। 20 तारीख को फिर राहुल गांधी डिक्लेयर करते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है। आज मालूम पड़ रहा उनके खुद के लोग डिबेट्स में कह रहे हैं और कुछ लोगों ने स्टोरी छापा है इस पे कि 15 तारीख को राहुल गांधी जी को कोरोना हो गया था, इसलिए 16 तारीख को वैक्सीन ले नहीं पाए। फिर वो जो मोरल हाईग्राउंड लेने की कोशिश 18 तारीख को कर रहे थे कि मैं अब रैली नहीं करूंगा, आप इसमें भी कोरोना में भी, मैं तो ईश्वर से धन्यवाद करता हूं कि राहुल जी ठीक होके स्वस्थ होके हमारे बीच में आए हैं, किंतु इसमें भी राजनीति कर रहे थे। आप कोरोना हुआ था और आप कह रहे थे कि मोरल हाईग्राउंड लेता हूं, मैं रैली नहीं करूंगा, और उसके 4 दिन बाद आप डिक्लेयर कर रहे थे कि मुझे कोरोना हुआ है। मुझे लगता है बीमारी की हालत में इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, बीमारी के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, वैक्सीनेशन के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन विषयों पे चूंकि वो एक पब्लिक लीडर हैं, सारे विषयों पे बोलने का उनका अधिकार है, किंतु क्या वो वैक्सीनेटेड हैं और अगर नहीं है तो जो उनके हितैषी कह रहे हैं क्या उसमें तथ्य है, इन विषयों पे वो अपनी सफाई दें। आज मैं इतना ही कहना चाहता था, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। नहीं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है जनवरी से चालू हुआ है, उन जब वो तो 45 के ऊपर है ऐसा तो मुझे लगता है, तो उनका प्रोसेस तो उससे पहले चालू हुआ है। क्या अपने टाइम पे उन्होंने लगाया होगा, हो सकता है, बता नहीं रहे तो क्यों नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात है, अगर नहीं लगवाया और जो उनके कुछ हितैषी बोल रहे हैं कि उनको कोरोना 15 तारीख को हो गया था, तो उन्होंने 5 दिन तक छुपा करके उस 5 दिनों में राजनीति क्यों की? वो बताना चाहते हैं नहीं बताना चाहते वो अलग विषय है, मगर 18 तारीख को ट्वीट करके कि मैं अब रैली नहीं करूंगा क्योंकि देश में कोरोना हो रहा है और एक मोरल हाईग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही थी ना। नो कॉमेंट्स फ्रॉम द पार्टी ऑन दिस, इस पे पार्टी कोई कमेंट करना नहीं चाहेगी, क्योंकि किन विषय पे बातचीत हो रही है इस विषय से हम अनभिज्ञ हैं, इस पे हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। See, as far as the CAA is concerned, it is something which has been passed by the highest body in this country, that is the parliament of this country. It will be implemented. So, of course, there would be few bodies in this country, few organizations in this country, few people in this country who would always be fighting against every law. So be it. There are law regulatory authorities in India. They'll be looking after this. देखिए, पहली बात है, धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखिए, पहली बात है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो राहुल गांधी हो या ऑपोजिशन में कोई भी पॉलिटिकल लीडर, उनका ये लोकतांत्रिक प्रणाली में अधिकार है कि वो प्रश्न उठा सकते हैं, किंतु एक जिम्मेदार नेता बनना और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना, यह भी बहुत उचित होता है, यह भी बहुत आवश्यक होता है।
आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन को लेकर समय समय पर जिस प्रकार की बातों को फैलाया, जिस प्रकार के भ्रम को फैलाया, जिस प्रकार के झूठ को फैलाया, उससे वैक्सीन हेजिटेंसी को स्थान मिला। कोवैक्सीन से लोगों में खतरा है। कोवैक्सीन को लगा करके कहीं ना कहीं भारतीयों को गिनी पिग के रूप में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके राज्यों ने कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया। उसमें कोवैक्सीन में गाय का सीरम, गाय का खून मिला हुआ है, इस प्रकार की बातें करना। और देखिए, खुद ही राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को पहला डोज लेना चाहिए ताकि लोगों के मन के अंदर से भय और भ्रम मिट जाए। तो उनके ऊपर भी तो वो कानून लागू होता है, उनके ऊपर भी तो उनकी बातें लागू होती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाया है और वैक्सीनेशन आज सर्वाधिक आवश्यक है, तो यह स्वाभाविक है कि उनके सबसे बड़े नेता खुद वैक्सीनेट हो, उसकी तस्वीर डालें, ताकि कम से कम जो लोग कांग्रेस को मानते हैं, कुछ लोग तो हैं ही ऐसे आज भी, उनके कार्यकर्ता तो हैं ही, तो उनके कार्यकर्ता तो कम से कम वैक्सीनेटेड हो जाएं, इतना तो उनका कर्तव्य है। ये बैठक तो 2014 के बाद हर चौथे दिन होती रहती है। ये जो विपक्षियों को लामबंद करने वाली बैठक होती है, ये लामबंद करने वाली बैठक, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ठगबंधन भी कहा था, ऐसे ठगबंधन बैठक तो समय समय पर होती रहती है। हमने हर चुनाव से पहले देखा है, ये बैठक भी करते हैं, हाथ पकड़ करके खड़े भी होते हैं, मगर सही समय आने पर साथ में लड़ते ही नहीं है, क्योंकि देश में आज एक लीडरशिप क्राइसिस है, कोई लीडर ही नहीं। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले मैंने दिल्ली के आंकड़ों को देखा था। जहां तक मैं जानता हूं, दिल्ली के पास 10 लाख डोज 21 तारीख को मौजूद थे और उन्होंने 76,000 के आसपास ये वैक्सीनेट किया है। किसने कहा था उनको कम वैक्सीनेट करने के लिए? आप एग्जॉस्ट तो करिए 10 लाख पहले, उसके बाद आपको दूसरा खेप दिया जाएगा। ये देखिए, हमेशा हर विषय पर आक्षेप करना, हर विषय पर यह कहना कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, हर विषय में ये भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, इस प्रकार का जो रोना है, ये अरविंद केजरीवाल जी करते रहते हैं। अब लोग भी जान गए हैं और उब गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस तरीके से। अब अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के सरकार की इन बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं उनसे आज निवेदन करूंगा कि वो पहले तीव्र गति के साथ वैक्सीनेशन आरंभ करें, बाद में अपनी एडवर्टाइजमेंट और अपने पब्लिसिटी का काम करें। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं। हर कोरोना पीड़ित को किस प्रकार से मदद किया जा सके, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक कर रहे हैं। चाहे जो हमारे ऑर्फन्स हो, जो बच्चे, जो बालक और बालिका अनाथ हो गए, चाहे उनकी चिंता का विषय हो, चाहे व्यापारियों की चिंता का विषय हो, आत्मनिर्भर पैकेज का विषय हो, हर विषय में प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर चिंता करके, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके, जो भी हो सकता है वो इस देश ने, इस सरकार ने किया है। मगर राहुल गांधी जी को ये कुछ दिखता नहीं और हर विषय में वो राजनीति करना चाहते हैं, ये दुखद है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि मुद्दे के विषय में जानकारी मैंने कहा था। मैंने कहा कि ये अभी टॉक हुई नहीं है, उससे पहले पार्टी के नाते हम कमेंट करें ये उचित नहीं होगा। ये सरकार का विषय है, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, होगी, इस विषय पे हम अभी कमेंट नहीं करेंगे। वी विल रिजर्व आवर कमेंट्स फॉर अ फ्यूचर डे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पंजाब में जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में सर्वाधिक फेटेलिटी रेट रहा, आप देखेंगे पंजाब में जो फेटेलिटी रेट रहा था कोरोना को लेके, वो सर्वाधिक रहा था।
स्वाभाविक है पंजाब को एक स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है जहां तक कोरोना मैनेजमेंट का संबंध है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी वहां त्वरित गति से होनी चाहिए, किंतु वहां जिस प्रकार से वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हुआ और अभी जो राजनीतिक परिस्थिति पंजाब में है, वहां चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्रियों के बीच लड़ाई होना, कांग्रेस के अंदर एक सरफुटवल होना, बार बार चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्रियों को दिल्ली में समन करना और कहीं न कहीं वहां एक रिक्तता, राजनीतिक रिक्तता देखने को मिल रही है, तो जनता तो पूछेगी ही, अगर इस प्रकार की राजनीतिक सरफुटवल होगा और राजनीतिक रिक्तता रहेगी तो वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा कैसे? इसका जवाब तो राहुल गांधी जी को देना चाहिए। और हमने कहा, राहुल जी वर्चुअल पीसी से निकलकर पंजाब जाएं और वहां व्हाइट पेपर देकर आएं कि किस प्रकार से पंजाब में वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जा सकता है और सुचारू रूप से कोरोना को मैनेज किया जा सकता है। नहीं, इसमें नो कमेंट्स फ्रॉम बीजेपी, ये पार्टी का विषय नहीं है, ये सरकार का विषय है। बहुत बहुत